हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साची अवस्थी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आ गई हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो जिसमें कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन फेस मास्क रिव्यू, जो कि होने वाला है 30 रुपीज का। जी हाँ, 30 रुपीज में फेस मास्क। सो आज मैं दो फेस मास्क ट्राई करने वाली हूँ, जो कि एक मेरा 250 के आसपास का है, जो कि है गुड वाइब्स का। एंड ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन पर्पल से। एंड जो 30 रुपीज का फेस मास्क है वो कुछ इस तरह का है, ये चाकोल फेस मास्क इतना है। एंड इसको हम दो बार में यूज कर सकते हैं। एंड चाकोल सीरियसली ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है एक शॉप से, जो कि आप लोगों को भी किसी ना किसी शॉप पे मिल ही जाएगा, इजिली अवेलेबल रहता है। आज हम इसे ट्राई करके देखने वाले हैं कि ये कैसा है। मैंने इसका पैच टेस्ट पहले ही कर लिया है। सो आज मैं 30 एंड 250 रुपीज को कंपेयर करने वाली हूँ एक साथ, कि दोनों में से कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है एंड किस में क्या डिफरेंस है, क्या महंगा वाला ज्यादा अच्छा है या सस्ता वाला कम अच्छा है। आज हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं, ताकि लोगों को पता चले कि महंगे एंड सस्ते में क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि इतना सस्ता है तो कहीं खराब ना हो, ये वैसा वैसा कई चीजें माइंड में आती होंगी। एंड ये महंगा है तो हाँ ये अच्छा ही होगा। आज हम इसे ट्राई करके देखने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है, एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ही सारी चीज़ें अच्छे से शेयर कर पाऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो मैं अपने हाफ फेस पे ये वाला फेस मास्क अप्लाई करूंगी एंड हाफ फेस पे ये वाला, जो आज इन दोनों को साथ में पेयर अप करूंगी, साथ में अप्लाई करूंगी। सो मैं पहले अपना फेस क्लीन करके आऊंगी एंड देन मैं इसको अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी आ चुकी हूँ अपना फेस वॉश करके, एंड पूरी तरह से मेरा फेस एकदम क्लीन है, नो मेकअप। अब इस क्लीन फेस पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये फेस मास्क। तो सबसे पहले मैं यही वाला अप्लाई करूँगी एंड चाकोल बेस्ड है, जेल बेस्ड है, इसमें जेल के साथ चाकोल है। सो ये पील ऑफ में हटेगा, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। ये यश हर्बल इंटरनेशनल की तरफ से है, एंटी ब्लैकहेड जेल मास्क फॉर सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन, पील ऑफ द कूल चाकोल। तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, जिससे कि हम इसको सेकेंड टाइम भी यूज़ करने के लिए स्टोर करके इसी में रख सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर ये पूरा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा ये जेल फेस मास्क है। तो जितने भी अभी तक मैंने फेस मास्क ये जेल बेस्ड पील ऑफ वाले ट्राई किए ना, सब में एक ठंडी सी कुछ ऐसी झार टाइप से आती है, जो काफ़ी ज़्यादा आँखों में लगती है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैंने दोनों फेस मास्क अप्लाई कर लिए हैं, क्योंकि मैंने वही फिंगर यूज़ की दोनों फेस मास्क लगाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया, क्योंकि यही वाला इधर भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया, हल्का फुल्का सा, बट देखते हैं इससे क्या डिफरेंस आता है। बट ऊपर पूरा क्लीन है। सो इसको काफ़ी ज़्यादा पतला लगाना होता है, क्योंकि ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर हम इसे डार्क लगाएंगे, मतलब मोटा मोटा सा लगाएंगे, तो ये वाला पील ऑफ होने में बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेता है ड्राई होने के लिए, आधा घंटा भी इसके लिए कम पड़ता है। तो इसीलिए इसको जितना पतला हो सके ना, उतना पतला लगाया जाता है। तो मैंने जितना उतना पतला मैंने लगाया है, एंड अब मुझे इसका 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरा पूरा फेस पैक अच्छे से ड्राई हो चुका है, और इसे पूरा का पूरा 20 मिनट लगा, 15 मिनट नहीं, इसे पूरा 20 मिनट लगा ड्राई होने में। और ये साइड आप देख सकते हो कितनी चिकनी चिकनी सी है, एंड ये साइड भी चिकनी चिकनी सी है, बिल्कुल पूरी तरह से पैक सूख चुका है। ये आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइट है। और वैसे फेस पैक लगाने के बाद ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वरना ये झोटियाँ पड़ जाती हैं। सो अब मैं इसे रिमूव करने वाली हूँ बिना बात किए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना फेस वॉश करके, एंड मैंने अच्छे से फेस को अपने ड्राई कर लिया है। अगर मैं इस फेस मास्क के बारे में बात करूँ, सो जो 30 रुपीज वाला है वो एप्लीकेशन में अच्छा है, एंड क्लीन भी सेम ही है, जिस रेंज में है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बट 250 वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पील ऑफ ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ये आप लोगों ने देखा कि पील ऑफ प्रॉपर नहीं हो रहा था, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये ख़राब है, क्योंकि ये पील ऑफ करते हुए ना मुझे लग नहीं रहा था बिल्कुल भी, मेरे इन फेशियल हेयर्स पे ना बिल्कुल भी वो लग नहीं रहा था, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा खींच नहीं रहा था जब मैं उसे पील कर रही थी। बट इस साइड वाला यानी कि 250 वाला पील ऑफ करने में थोड़ा सा यहाँ पे पेन देता है, एंड वो स्किन को काफ़ी ज़्यादा खींचता है। बट
कुछ लोगों को यही चीज़ चाहिए होती है क्योंकि इसी से हमारे वाइट हेड वगैरह क्लीन होते हैं एंड ज़्यादा डस्ट बाहर निकलती है एंड फेस को अच्छे से यही चीज़ क्लीन करती है। सो मेरे दोनों साइड के चीक्स में डिफरेंस है, ये वाला मुझे ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है एंड ये वाला डल लग रहा है। सो अगर मैं बात करूँ इसके बाद के रिजल्ट की, यानी ग्लो या फिर जो ब्राइटर स्किन का ये दावा भी करता है, सो उसमें अगर मैं देखूँ चारकोल स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छे से माना जाता है डीप क्लींस एंड ब्राइटनिंग। 30 रुपीज़ वाले को मैं ब्राइटनिंग यानी स्किन क्लीनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए थम्स अप दूँगी एंड 250 वाले को थम्स डाउन दूंगी। टाइटनेस मुझे फील हो रही थी दोनों में एग्जैक्ट सेम थी, टाइम भी दोनों ने एग्जैक्ट सेम ही लिया। मेरी तरफ से अगर मैं फेस मास्क के अकॉर्डिंग देखूं तो 30 रुपीज़ वाला ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो कम रेंज में अच्छी सी ब्राइटर स्किन दे रहा है प्लस डीप क्लींस भी दे रहा है। अगर वो पील ऑफ प्रॉपर नहीं हुआ तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेस वॉश भी कर लोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राइट एंड डीप क्लीन कर रहा है, तो उसका पील ऑफ होना ना होना ये कोई मायने नहीं रखता है। बट अगर आप इतना पे कर सकते हो तो फिर आप 250 वाला भी ले सकते हो। मेरा ओपिनियन रहेगा तो 30 रुपीज़ वाला बेस्ट है, कम पैसे प्लस डीप क्लींस एंड उसके अलावा ब्राइटर स्किन। सो या ये था आज का मेरा वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन स्टे सेफ।